आज अपन बनाने जा रहे हैं परमल का चूड़ा। और मैंने लिए कड़ी पत्ता, मिर्ची, लहसुन, चने की दाल और परमल, मूंगफली और पोहा। अभी अपन गैस चालू करेंगे। अब मैं मूंगफली डालूंगी। मैंने मूंगफली डाल दी है तेल में, फ्राई होने तक। अच्छा भुनेंगे। लाल हो गई है मूंगफली अपनी, अच्छी सेक चुकी है। अब मैं लहसुन और मिर्ची और कड़ी पत्ता तेल में डाल रही हूँ। अच्छा लाल फ्राई होने तक पकने दे। अब लहसुन और मिर्ची अच्छी तरह हो गई है। अब मैं इसको बर्तन में निकालूंगी। अब मैं अपने पोहा डालूंगी। पोहा उसको तल लूंगी जरा। देखो अपना पोहा अच्छे से हो रहा है। उसको बार बार ऐसे हिलाते रहना, नहीं तो पोहा जल जाएगा, अच्छी तरह मिल नहीं पाएगा। मतलब अच्छा सेकनी चाहिए, अच्छी तरह सेकनी। एक चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं। और मैं एक चम्मच और मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, लहसुन, कड़ी पत्ता और मूंगफली। इसके बाद मैं ये चने की दाल डाल रही हूँ। इसको ऐसे मिक्स करेंगे। उसके बाद कुरमुरा डाल रही हूँ। अच्छी तरह इसको मिलाएंगे अपन। अच्छे तरह मिलने के बाद वो बहुत टेस्टी लगेगा चूड़ा। बराबर से मिक्स करना चाहिए, नहीं तो वो नीचे चिपक जाता है, जल जाता है चूड़ा। इसलिए बार बार इसको हिलाते रहना चाहिए। ये हो गया अपना बाजार जैसा चूड़ा। और आप भी घर पे बना के देख लेना और ट्राई करना, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। अब हमारा चूड़ा बनके तैयार हो गया है। आप भी ऐसे घर पे बना के देख लेना, और बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है, कुरकुरी है, बहुत खाने में लाजवाब लगेगा। आप भी घर पे ट्राई कर लेना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।